आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। जबलपुर की पुलिस ने ठगी करने वाले एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जिसके कारनामों से पहले पुलिस हैरान थी और अब यह कारनामा आपको हैरान कर देगा। सचिन किराना का संचालक मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बताया कि मैं राजेश कैटर्स हूँ, मेरा ये काम चलता, मैं इसका ठेकेदार हूँ, मेरे को आटे की ज़रूरत है। इन्होंने मेरे से 200 बोरी आटा लिया और एडवांस चेक दिया मेरे को कि आपको 10 दिन बाद ही चेक कैश हो जाएगा। मैं इनके विश्वास में मैंने काम किया, उस दिन से मैं इनको ढूंढ रहा हूँ। इनका समय होने के बाद ये मेरे को आज तक नहीं मिले, आज पता चला कि विजयनगर थाने में बनने, तो मैं लेके आया हूँ अपनी शिकायत। लगभग कितने रुपये का सामान आपसे लिया होगा? मेरे से 1,32,000 रुपये करीब का है। आपका नाम? मेरा नाम विपिन केसरवानी, सचिन किराना स्टोर निवाड़गंज। दरअसल राजेश पाठक नाम के इस जालसाज से ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इसने ठगा नहीं। व्यापारी हो या बेरोजगार, इसने सभी को अपने झांसे में लिया और लाखों के वारे न्यारे कर रफू चक्कर हो गया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लो एक न एक दिन वह कानून के शिकंजे में आता जरूर है, सो आ ही गया। दरअसल इस राजेश नाम के इस जालसाज ने जबलपुर के कई व्यापारियों को एडवांस चेक देकर माल खरीद लिया और जब व्यापारियों ने चेक बैंक में लगाया तो सभी के चेक बाउंस हो गए। मैं मनोज कुमार यादव हूँ। इन्होंने राजेश पाठक, खीरसागर पटेल और इसके इंसाना थे खीरसागर पटेल, इन तीनों लोग ने एक गोमती बाई करके दे दी है। उनसे पहले पैसे लिए, फिर गोमती बाई ने हमसे बोला कि भैया ये रेलवे में नौकरी लगवा रहा है और 20,000 रुपये ले रहा है। तो जी राजेश पाठक और खीर सागर पटेल आया, जिसमें हम लोग में 10-12 जन हैं, तो 20,000 रुपये करके ऐसा करके 1,80,000 रुपये दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका हमारा पैसा मिल रहा है सर, और इनके बदले में चेक भी दिए थे। आपने शिकायत की थी इसके पहले? शिकायत की थी SP ऑफिस और मदन महल थाना, गढ़ा थाना में सब जगह की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक, इधर यह नटवरलाल व्यापारियों से खरीदे गए माल को बेचकर कमाता रहा। इतना ही नहीं, इस नटवरलाल ने व्यापारियों के साथ साथ बेरोजगारों को भी ठगी का शिकार बनाया है। बताया गया कि इस ठग ने बेरोजगारों को भी रेलवे में नौकरी का लालच देकर मोटी मोटी रकम वसूली और उसके बदले भी इन्हें भी कैश ना होने वाला चेक दे दिया। जबलपुर में नटवरलाल बनकर व्यापारियों और बेरोजगारों को ठगी का शिकार बनाने वाले ठगराज के पापों का घड़ा आखिरकार भर ही गया। जबलपुर की विजयनगर पुलिस ने ठगी का शिकार हुए लोगों की शिकायत पर आखिरकार इसे गिरफ्तार ही कर लिया। पकड़े गए आरोपी के कारनामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि खुद पुलिस को लोगों को अपील करनी पड़ रही है कि जो भी पीड़ित हो वो थाने आकर शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने राजेश और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। एक आवेदन दिया था, अनुराग शुक्ला है, एंजल ट्रेडर्स वाले, उनका आटे का व्यापार है। उन्होंने एक आवेदन दिया था कि इनसे कुछ 200 कट्टे करीबन आटे के करीब 1,25,000 रुपए का माल लिया है। एक राजेश पांडे नाम का व्यक्ति है, राजेश पाठक नाम का व्यक्ति, इसने 1,25,000 रुपए करीब उनका माल लिया, आटे के कट्टे लिए हैं और उसको चेक दिया गया, लेकिन चेक जो है लगाया नहीं है, वह बाउंस हो गया है। और ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसा शहर में कई अन्य लोगों के साथ किया है, तो उसकी जांच की गई। हमने जांच की, आवेदन पत्र की जांच पे ऐसे हमें ये पाया कि राजेश पाठक जो है ऐसा शहर में बहुत सारे लोगों के साथ किया है उसने, तो उस पर से अपराध कायम कर 420 का फ्रॉड किया उन्होंने, जो सब लोगों के साथ 420 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेश पाठक को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके साथ में कोई संजय नेमा भी है, जिसको ये माल लेने के बाद, सामान लेने के बाद उस संजय नेमा को दे देता था, वो जाके विक्रय करता था उस चीज़ का, और ये बाद में इससे आपस में मर जाते थे। इनका जो राजेश पाठक का मेन काम करने का तरीका जो था, ये व्यापारियों के पास जाता, उन्हें कैटरिंग, इसका चूँकि कैटरिंग का काम है तो आसानी से माल व्यापारी इसको उपलब्ध करा देते थे जी। तो कैटरिंग के काम से नाम से लेके ये अपने अकाउंट का चेक, बैंक का चेक उनको प्रोवाइड करा देता था, जितने अमाउंट का माल लिया उतना अमाउंट का चेक प्रोवाइड करा दिया नेक्स्ट डेट का, और वो चेक कभी कैश हो नहीं पाया। और ऐसा इन्होंने चेक के माध्यम से कई सारे लोगों के साथ किया है सर। कुछ लोगों की नौकरी का भी मामला सामने आया कि नौकरी
अब उस संबंध में जांच की जा रही है और हमने बोला है शहर में जितने भी लोग साथ इनके अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से अपील करते हैं, जो भी इनके से इसने जिनके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड किया है वो सामने आए। अब नौकरी के अभी पता चल रहा है, एग्जिट आदमी सामने आने के बाद हम उस और भी कार्रवाई पूछताछ कर रहे हैं। ठीक।